धूप बहुत निकली हुई, इसलिए हमने छाता लगा लिया है। और कुछ बकरियां यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर भाई बुक आई हो, आप लोग सभी मस्त होंगे और अच्छे होंगे, और आप लोग आज छाता लगाए दिख रहे होंगे। हम क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा है तो हमने सोचा कि छाते को खोल लिया जाए, और भाई हमने लगा लिया है छाता और चलते हैं आगे। तो स्वागत है आप सभी का, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और चैनल पर नया है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। चलिए तो चलते हैं आगे और वीडियो करते हैं भाई कंटिन्यू। अभी हमने वीडियो अभी कंटिन्यू किया है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए छाता भी है आज साथ में और हम भी हैं, तो आज देखते हैं क्या क्या अच्छा लगता है। चलिए तो वीडियो करते हैं यहाँ से कंटिन्यू। तो अभी बकरियों की बात की जाए तो अभी बकरियाँ तो अभी चर ही रही हैं, और कुछ आगे है और कुछ आगे पीछे होती जा रही हैं, और हम भी आगे चलते जा रहे हैं। कितना ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है, जो कि बल्कि और भाई अब धूप निकलती आ रही है, अभी तो कम हो गई थी लेकिन धूप और अब और भी ज़्यादा हो रही है, और छाता भी अभी हम खोलेंगे। कितना मस्त लगता है जो कि बल्कि यहाँ पे घूमने में। और बकरियों के साथ में हम भी हैं, और भी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा है बल्कि, और धूप भी निकल आई है बहुत ही ज़्यादा, और आंखें अभी हमारी थोड़ी सी चकर आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम ब्लॉग बना रहे हैं, उस तरफ देखा ही नहीं जा रहा है दिन तरफ। तो और शाम को भाई गजब की बारिश हो गई थी, और पानी भी यहाँ पर कहीं कहीं पानी भरी हुई है, और यहाँ की झीलों में जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ के नीचे चलेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा, बल्कि रात को ही बरसात हुई थी तो यहाँ पर पानी ही पानी होगा। और चलते हैं अभी पानी दिखाने के लिए आप लोगों को, पानी है यहाँ पर या नहीं है। हम लोग आ चुके हैं बड़े जंगल में, और हमारी बकरियाँ भी यहीं पर चर रही हैं, जो कि पत्ती, और आप लोगों को दिखा देते हैं बकरियाँ, कैमरे को घुमाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ का, यहाँ पर है बड़ा जंगल, आप लोगों को दिख रहा होगा, और कितना ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है जो कि। और यहाँ पर कोई जानवर नहीं है फिलहाल, और ये भी अच्छी बात है क्योंकि हम लोग बकरियाँ लिए हुए हैं साथ में, और जानवर होता तो हमारी बकरियाँ यहाँ पर नहीं ला सकते थे हम, क्योंकि हमारा ही नुकसान था उसमें। चलिए आगे चलते हैं और छाते को ले लेते हैं, छाता रख दिया था नीचे। चलिए तो एक खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही मस्त, और बादल छाए हुए हैं, और लगता है ऐसे कि बरसात हो सकती है शायद, मुझे नहीं लगता शाम को, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और शाम को ही होगी। और हमारी बकरियाँ कुछ नीचे उतर रही हैं, हमको वहाँ पर जाना पड़ेगा, ले शायद इस तरफ से आ जाएंगी, और हम चलते हैं उस तरफ अभी धीरे धीरे, वो भी क्योंकि यहीं पर चल रही हैं तो थोड़ा सा यहीं पर रुक लिया जाता है, और भाई फिर चलेंगे हम लोग आगे। खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है जो कि, और यहाँ के आप लोग पेड़ पौधे देख सकते हैं जो कि कितने बड़े हैं, कितना ही खूबसूरत है भाई, मस्त एक नंबर, ऐसा आप लोगों ने नहीं देखा होगा शायद लाइफ में, और शायद देखा भी होगा। चलिए तो भाई मिलते हैं आगे। तो भाई सब बड़े जंगल में घूमना कोई मुसीबत की बात होती है, लेकिन फिर भी हम घूमते हैं और बकरियों को चरा के ले जाते हैं घर।
और आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना यहाँ पर घना है, जो कि इस तरफ भी दिखा देता हूँ और इस तरफ भी हमारी बकरियाँ हैं। चलिए और चलते हैं आगे। तो ये रहा, ये रहा बकरियों का झुंड आगे, और कुछ बकरियां यहाँ से निकल चुकी हैं और कुछ निकल रही हैं, और हम भी निकलते हैं यहीं से। धूप बहुत निकली हुई इसलिए हमने छाता लगा लिया है, और कुछ बकरियां यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर भाई बकरियों को देखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर घना है जंगल, तो यहाँ पर बकरियाँ नहीं दिखती हैं। तो बकरियाँ आ चुकी हैं आगे और कुछ अभी आ रही हैं पीछे। और यहाँ का भी कितना खूबसूरत नज़ारा हो रखा है, बल्कि मस्त नज़ारा है भाइयों। तो फाइनली हम आ चुके हैं घर, और हमारी बकरियां भी आ चुकी हैं, और घर आके हमने ब्लॉग बनाया। हाँ बताओ क्या है, हाथ पिला दे। तो अभी फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और बकरियां भी अंदर कर दी हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। और ऐसा ही वीडियो हमारा डेली आने वाला है। अब हाय करो, हाय कल आए हो दिखाओ। चलिए तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।